इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होने के साथ ही प्रशासन चुनावी तैयारियों में लग गया है और इधर सरकारी कार्यालय में देर रात जमीनों की रजिस्ट्रियां हो रही है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को उदयपुर जिले के बारापाल तहसील कार्यालय में देखने को मिला, जहां रात करीब 10 बजे कुछ भू माफिया रसूख के चलते जमीनों की रजिस्ट्री के लिए बैठे हुए नजर आए और देर रात तक अधिकारी उनके काम करते रहे। इसके बाद सभी भू माफिया और अधिकारी रजिस्ट्री का काम निपटाकर रवाना हो गए। इसके बाद चौकीदार देवी लाल ने तहसील का गेट बंद कर ताला लगाया। जब चौकीदार से इस मामले में बात की तो उन्होंने भी देर रात तहसील में काम होने की बात कही। इस मामले को लेकर बारापाल तहसील में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक हरीश गमेती से बात की तो उन्होंने बताया कि तहसील का कंप्यूटर खराब हो गया था, जिसके बाद उदयपुर से कंप्यूटर लेकर तहसील पहुंचे और कंप्यूटर पर काम शुरू किया। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि देर रात तहसील खोलकर कर्मचारियों को काम करने की कहां जरूरत थी और इतनी रात को भूमाफिया तहसील कार्यालय में क्या कर रहे थे। इससे लगता है कि इस तहसील कार्यालय में देर रात तो ऐसा कुछ हो रहा था जिसको सभी लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस मामले को क्या एक्शन लेता है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। हाँ सर, शुक्रवार को रात को तहसील 10 बजे तक कैसे खुली रही? सर वो एक्चुअली ये हुआ था कि शुक्रवार सुबह सिस्टम खराब हो गया था हमारा जी, तो उसको उदयपुर लेके आए थे जी अपडेट कराने के लिए, मतलब ठीक कराने के लिए। जैसे उदयपुर जैसे लेके आए हम, तो उसके बाद सिस्टम वाला गिरा 2-3 घंटे तो उसने ख़राब कर लिया। फिर उसने कहा कि सर ये तो कंपनी में भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा। यूँ करके फिर मैंने कहा ठीक है, उसका कोई उपाय और तो? और तो कोई उपाय नहीं है, बस कंपनी में भेजना पड़ेगा, उसके बाद आएगा तभी होगा। फिर मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने सर से बोला, सर ने बोला चलो और कोई हो तो फिर अपना कोई सिस्टम पड़ा हो कहीं हो या फिर सेकेंड हैंड मिलता हो तो लिया हो। तो फिर साहब को कहा कि साहब तहसील में भी अपना एक सिस्टम पड़ा है, तो हम तहसील गए गिरवा तहसील में पुरानी तहसील, तो वहाँ से सिस्टम लाए पुराना। तो पुराना जैसे सिस्टम लेके आए उदयपुर अपने बारापाल लेके आए शाम को लगभग टाइमिंग, हाँ टाइमिंग तो हो गया था 4-5 बजे के समथिंग आ गए थे, 5:30 बजे के समथिंग। आप आए उसके बाद में तहसीलदार साहब निकले? हाँ तहसीलदार साहब कितने बजे गए? साहब 6 बजे बाद ही गए थे। 6 बजे बाद ही गए थे। हाँ आपके पहुँचने के बाद आप रिपेयरिंग करने वाले को कितने बजे बुलाया उसको? हमने जैसे कि हम जैसे पहुँचे, टाइमिंग तो पूरा याद नहीं मुझे सर जी, क्योंकि जैसे हम पहुँचे उसके बाद हमने जितनी कोशिश करनी थी उतना कर लिया था। हम इमिग्रेशन आ ही नहीं रहा था, फिर ऑपरेटर को बुलाया जो जानकार था हमारा मिलने वाला था, उनको फोन किया तो वो फिर वो आए 7 बजे के समथिंग। 7 बजे आए? हाँ 7 बजे। 7 बजे वो आ गया था, तो उसने कितना समय लिया था? उन्होंने 9 बजे तक हो रहे थे। 9 बजे तक? 9 बजे। 9 बजे बाद आप क्या कर रहे थे? 9 बजे बाद वो 9 बजे जैसे निकले, फिर हमने भी मतलब जो भी कोशिश थी, मैं सर ये भी नहीं चल रहा है जो थम वाला जो था ना, जो नाम पुराना, उनके आने से भी सही नहीं हुआ, उनके आने से भी नहीं हुआ सही। 9 बजे पहले ये पब्लिक मीटिंग थी, पब्लिक का क्या काम था वहाँ पे? पब्लिक का तो सर वो तो अब मैं जैसे गया तो वो समझ रहे रजिस्ट्री हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। कौन कौन थे? मुझे नहीं आइडिया। दलाल कौन थे? दोबारा कुर्सी पे बैठे थे? नहीं सर मुझे कोई आइडिया नहीं दलाल का, नहीं आइडिया नहीं। गवर्नमेंट ऑफिस शाम को 6 बजे बाद बंद हो जाता है, ये कार्य शनिवार रविवार छुट्टी होने के बाद मंडे को भी कर सक रहे थे आप लोग, कर सक रहे थे। तो इस दिन में आप क्या कहना चाहते हैं, सोमवार को क्यों नहीं किया आपने? आपको रात को 9 बजे का टाइम ही मिला था? तो सर हम तो जैसे 5:30 बजे के समथिंग पहुंच गए, तो डॉक्यूमेंट वाला तो वही थे ना सर, वो थे, तो हम जैसे ही हम कर रहे ठीक हो नहीं रहा समथिंग वो आए, उसके बाद चलो किसी का काम हो जाए ये सब करके हमने कहा कि चलो इनका काम नहीं होगा, इनको तो हमने भेज दिया कि आप सर चले जाओ। हमने तो उनको कई बार बोला, एक बार नहीं कई बार बोला, पर वो 9:30 बजे तक रुके थे, तब तक हम जो भी सिस्टम का तो मतलब चल जाए, हम उनकी वजह से नहीं रुके थे कि मतलब उनका काम करना है, हम खाली इसलिए रुके थे कि आने वाले दिन के लिए मतलब सिस्टम चालू मिले, क्योंकि उसको बुलाया था तो वो कह रहा कि मैं आऊँगा, मैं दिन में मेरे को टाइम नहीं मिलता,
तो मैं शाम को ही आऊंगा, इस वजह से उसको शाम को बुलाया था। जैसे ही नहीं सर, जैसे ही उदयपुर न्यूज आपके वहाँ पहुंची बारापाल तहसील के अंदर, 10 मिनट के दफ्तर आप सब गायब कैसे हो गए थे सर? इसका जब आप नॉलेज नहीं है क्यों आप वहाँ से गायब हुए? नहीं, आप कह रहे थे 10 मिनट के अंदर गायब हो गए थे जी, तो सर आप 10 मिनट से पहले आए, उस समय मुझे तो आप मिले नहीं, मुझे तो इसकी वो इसकी बात कर मुझे पता भी नहीं है आप आए थे सर। हम आए थे, हमें आपको नहीं पता है? नहीं, आपका वीडियो, आप अंदर बैठे थे लैपटॉप पे काम कर रहे थे, आप कंप्यूटर सिस्टम में, सामने के दो रूम है, एक ही रूम है जिसके दो गेट लग रहे हैं, जिसमें एक बड़ा छोटा प्रिंटर लग रहा है और प्रिंटर के सामने एक बॉक्स है व्हाइट कलर का, सही है ये? तो मैं तो यही, वही है आपका ऑफिस, तहसीलदार साहब के पास वाला रूम आपके यहाँ है, ठीक है, उसी के अंदर रजिस्ट्री हो रही थी, सुनिएगा, उसी के अंदर रजिस्ट्री हो रही थी, रजिस्ट्री नहीं हुई थी, काम कर रहे थे, कागज का काम, कागज का नहीं चल रहा, कागज की शुक्रवार की बात है, दिन भर अपना सिस्टम खराब था जिसमें कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई, पूरे दिन में जीरो रजिस्ट्री हुई और शाम को लेट तक, मैं तो 6 बजे निकल गया था, लेकिन उसके बाद ये जानकारी में आया कि 10 बजे तक सिस्टम रिपेयर करने के लिए कोई बाहर से उसका मैकेनिक आया हुआ था जो रिपेयरिंग किया है। कौन आया था सर मैकेनिक? ये मुझे जान नहीं सर। इसकी जानकारी कौन देगा? ये जानकारी तो हरीश जी बाबूजी देंगे। हरीश जी बाबूजी कहाँ है आज? आज छुट्टी में है, सीएल में, सीएल में है, बिल्कुल रजिस्टर में एंटर है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हाजिरी में उनके सीएल लगी हुई है। उदयपुर कार्स उदयपुर का सबसे भरोसेमंद प्री ऑनेड कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट यूज्ड कार्स। हमारे यहां सभी प्रकार की कारें फाइनेंस सुविधा और एक्सचेंज सुविधा के साथ उपलब्ध है, आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार, तो इस त्योहारी सीजन में एक बार जरूर पधारे उदयपुर कार्स, शुभागपुरा, सोफिट रोड, शुभ केशर गार्डन के पास। मोबाइल नंबर 7014167424, 9414239075, 9828492486।